तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और आज फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं ब्लड रेवन एक्स सूट के साथ खेलने वाला हूं। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई कब तक इस कच्चे को हमें दिखाते रहोगे, तो कभी तो एक्स सूट लेके आओ ना। और हाँ गाइज, ये वाला मैच भाई एंड में तो बिल्कुल मिस मत करना, इतना इंटेंस सिचुएशन होने वाली है। मतलब इधर बंदे और बीच में हम। अब यहाँ पता नहीं क्या हुआ, मेरे स्प्रे को मैंने अपनी सेंसिवेंसी देखी, वो तो ठीक लग रही थी, तो मुझे लगा शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। तो एक काम करते हैं, इस बार गड़बड़ नहीं करते हैं और सामने ये देखो साउंड आया। पहले तो भाई इसको मारना पड़ेगा, ये तुम नॉक देखो गाइस, इतना प्रीमियम नॉक केवल एक्स सूट से मैं ही निकाल सकता हूँ, इसलिए ठोको एक सब्सक्राइब। अब जैसे इस वाले बंदे को मारा, देखो एक आया अपनी बिल्डिंग में, दूसरा आता है। मैंने बोला यार ये तो बहुत हल्के में ले रहे हैं हम लोगों को, मतलब घुसे ही जा रहे हैं ऐसे कैसे। अब ये हमारे पास आके ना दूसरे बंदों से फाइट करने लग गए और इसका मैंने फायदा उठाया, तो नेड की पिन खींची और क्योंकि यहां ऑलरेडी बंदे थे, ये एक नॉक हुआ। और जैसे ही पहला नॉक निकला सोचा पोर्टल बनाऊं, लेकिन फिर मैंने ये सोचा भाई अगर पोर्टल से निकलती मार दिया तो, इसलिए पोर्टल का प्लान कैंसिल किया। अब मेरे को नहीं, बंदे का साउंड आ चुका था और उसे रिवाइव मिल रहा है। और मेरे टीममेट ने टाइम पे वो ग्रेनेड फेंका और मैंने इसको नॉक निकाला, लेकिन अभी तो असली फाइट बाकी है। सॉरी गाइस, मुझे वीडियो के बीच में आप लोगों को ऐसे डिस्टर्ब करना पड़ रहा है, पर बात ही कुछ ऐसी है क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आप लोगों को यूसी खरीदनी है वो भी सस्ते में, इसलिए यूनिपिन आपके लिए लाए एक धमाकेदार ऑफर, बाय यूसी विद यूनिपिन क्रेडिट। और इस ऑफर में आपके यूसी के प्राइसेस कुछ इस प्रकार रहेंगे जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। जी हां, यहां आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस, मतलब यूनिपिन पर यूसी अब गेम से भी सस्ती हो गई। कंडीशन बस इतनी सी है कि आपको यूसी यूनिपिन के क्रेडिट से बाय करनी है। और हां, ये ऑफर सिर्फ 3 मई से लेकर 13 मई 2024 तक वैलिड है, तो बाकी डिटेल्स के लिए वेबसाइट को फॉलो करें। और जैसा कि तुम्हें पता है कि यूनिपिन क्राफ्टन का ऑफिशियल पार्टनर है, तो ये 100% सेफ और सिक्योर है। मैं खुद यूसी बाय करने के लिए यूनिपिन का यूज करता हूँ। बस पहले मैंने क्रेडिट बाय किया यूनिपिन की वेबसाइट से और उसके बाद मैं यहाँ से यूसी बाय कर ली। और इनके इंस्टाग्राम चैनल पर तो एक से बढ़कर एक ऑफर आते हैं। और आप सबके लिए एक एक्साइटिंग ऑफर है, मेरे पास है 2 रॉयल पास का गिव अवे। आपको इमोट डांस करके दिखाना है विद योर स्क्वाड और अपलोड करना है इंस्टाग्राम स्टोरी पर। प्लीज मेक श्योर टू टैग योर स्क्वाड मेंबर्स, मुझे एंड यूनिपिन इंडिया को ऑन इंस्टाग्राम। 2 लकी विनर्स गेट रॉयल पास फॉर फ्री। अब देखो वहां के बंदों को मारने के बाद मैं यहाँ पर आया और जस्ट सामने देखो आपको एक बंदा दिख रहा होगा गलिस से, एंड वो अभी एकदम क्लियर भी दिखाई देगा। वो देखो दिखा कुछ वहां पे। अब मैंने ग्रेनेड की जो पिन पूरा, मतलब ग्रेनेड पूरा फुल कुक करके वहां फेंकता हूं, वो भागता है लेकिन भागने में वो नाकाम रहा। इसको नॉक किया, हम इसके पास आते हैं, इसको तो फिनिश कर दिया, लेकिन अभी भी इवेंट पे बहुत सारे बंदे बाकी थे। अब यहाँ ना आज मैं एक थोड़ा सा आईक्यू लगाने वाला हूँ, एक आईक्यू पोर्टल तुम लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ मैंने एक मॉली फेंकी क्योंकि बंदा बहुत लेट था। और अब ना एक बंदा हमारी छत पे आ चुका था और ये हमारी छत पे आके ना इसने गलती एंगल बना लिया, तो मैंने बनाया ये वाला पोर्टल, मैं यहाँ चढ़ा और अब देखो कैसे इस बंदे को मारता हूँ। ये इसको नॉक किया, जैसे इसको नॉक किया लेकिन मेरा टीममेट वो कहीं ना कहीं अभी नॉक होने वाला था, मेरे ही पास से मेरे टीममेट को नॉक कर दिया, इसकी इतनी मजाल। तो सबसे पहले वहां यहां आया, अपने टीममेट को रिवाइव किया, फिर नेड की पिन खींची और अब इसको सबक सिखाने का टाइम, ले भाई कैच कर, ये हुआ नॉक। अब जैसे ही मैंने इसको नॉक किया, अब हो सकता है कि यहां और ही बंदे हो, तो मैं पहले थोड़ा सा सेफ खेलता हूं, एक और नेड की पिन खींचता हूं। अब देखो आजकल ना जल्दबाजी दिखाने से कोई फायदा नहीं है, बंदे बहुत अच्छा खेलते हैं। ये मैंने नेड फेंका और इस बार ना तो मुझे मेरा फिनिश मिला और ना ही कोई नॉक हुआ, तो मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए जल्दी से पोर्टल बनाया, यहां आया। अब इस बंदे को रिवाइव तो नहीं मिला, लेकिन इसका टीममेट क्या बैठा हुआ था भाई। अब मैंने जल्दी से पोर्टल बना के रोटेशन दिया और रोटेशन देने के बाद मैं आ गया इधर। अब वो बंदा ना देखो लेफ्ट से साउंड आया, मतलब वो लेफ्ट से रोटेशन दे रहा है, और भाई ड्रॉप शॉट ना होता तो मैं तो यहाँ जरूर मार जाता, लेकिन इसके बाद मैं बंदों को हम लोगों ने मार दिया, हमने जिनी को बुलाया और हाँ मेरा गेम क्रैश नहीं हुआ, जिनको बुलाने पे पता नहीं बहुत लोगों का होता है। और इवेंट को हमने बोल दिया ऊपर से भाई बाय बाय, सीधा रॉजॉक के ऊपर आते हैं और यहाँ से नज़ारा आज तो कुछ यार बढ़िया ही लग रहा है,
गाइस कैसा लग रहा है तुम लोगों को नज़ारा यार, एक लाइक कर दो इस बात पे। हमने अपनी कारपेट उठाई और कारपेट उठा के निकल पड़े बंदों की तलाश में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आए और यहाँ हम लोगों को ना एक बंदा रिकॉल टावर पे पता नहीं क्या कर रहा था दिखाई दिया। ये देखो कारपेट को नीचे लिया, इससे पहले कि वो भागता हमने भाई इसको दबोच लिया। भाई साहब ने बग्गी अलग ही जगह फंसा दी। अब हमने सोचा कि एक काम करते हैं इससे ना इसके बंदों का पता पूछते हैं, लेकिन भाई इसने बताने से कर दिया मना। मैंने बोला भाई भाई इस बात की दोस्ती नहीं है, फिर तो मेरे को तुझे मारना ही पड़ेगा। ये देखो बग्गी कहाँ फंसा दी, अच्छा खासा भाग सकता था ये। अब इसके बाद में गाइस हम लोग चलते थोड़ा सा इंटेंस फाइट की तरफ। तो कारपेट उठा के बंदों की खोज में जैसे ही आगे आए तो हमें दिखे पहले यहाँ कुछ बंदे। इसको मारने के बाद में तो ऑल डेड हो गए, लेकिन अभी भी यहाँ स्टिल बंदे थे क्योंकि यहाँ दो टीम फाइट कर रही थी। ओ भाई साहब क्या बचाई नॉक होते होते, कसम से वो एक गोली का बचाव का। बस पोर्टल बना के जल्दी से आगे जाता हूँ, एक और पोर्टल बनाया और जैसे ही आया तो पता चला कि ये बंदे भाई इस वाले घरों में घुस चुके हैं। भाई तुम्हें पता है बंदा रश्यू कर गया ग्रोज आके कॉन्फिडेंस के चक्कर में, मतलब कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है भाई। अब यहाँ ना बहुत इंटेंस फाइट चलने वाली है क्योंकि हम लोग भाई चारों तरफ से घिर चुके थे। लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई तुम्हें पता ही है यार, जब भी मैं मरता हूँ ना मैं वापस उस जगह दोबारा जरूर जाता हूँ दोबारा मरने के लिए। नहीं नहीं मजा करो, रिवेंज लेने के लिए। तो बस अपना ब्लड रेवन पहन के मैं यहाँ पर आ चुका था दोबारा से, और जैसे इस बार आया भाई कैसे बच गया ये बंदा। खैर देखो दूसरा बंदा जस्ट मेरे पे भाई एम लेके बैठा है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, थ्रोबल फेंका, कुछ नहीं हुआ उससे। फाइनली जैसे ही मेरा टीममेट आया अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है। दो नॉक, और भाई तीसरा बंदा भी बहुत ज्यादा लेट, और इसी के साथ में गाइज ये रिवेंज कंप्लीट। कैसा लगा तुम लोग क्लच कमेंट में एक बार बताओ। और हाँ मुझे पता है मैंने तुम लोगों से बोला था कि मतलब एंड में मैच बहुत ज़्यादा इंटेंस रहेगा, तो टेंशन मत लो अभी रहने वाला है। फिलहाल तुम ये देखो कि भैया बॉटों को कैसे मारा जाता है और अपना केडी कैसे बढ़ाया जाता है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो मैंने एक बॉट को मारा, और पहले सही बताऊँ मुझे लगा ये बंदे हैं, लेकिन बाद में इनकी हरकतें देख के मुझे पता चल गया था कि हाँ ये बॉट हैं। तो ठीक है गाइस किसी ने कुछ नहीं देखा, मैंने दो बॉट मार लिए हैं, दो और किल बढ़ा लिए हैं, क्योंकि ये जो किल है ना भाई आगे मेरी हेल्प करने वाले हैं ज़्यादा किल्स होने में। अब इसके बाद में हम लोग वापस से रिकॉल पे आए, और जैसे यहाँ पर आए तो हमें यहाँ एक गाड़ी दिखाई दी जो कि हमारे आने से पहले निकल चुकी थी। तो बस हमने टैप टैप फायर करके इन लोगों को अपनी तरफ इन्वाइट किया कि भैया इधर दावत चल रही है आ जाओ ज़रा। अब ये तो नहीं आए, लेकिन हम यहाँ पर इंतज़ार करते हैं अब, और इंतजार का फल तो मीठा होता ही है तुम्हें पता ही है। और देखो इंतजार का फल अब कैसा होने वाला है। वहां एक अलग फाइट चल रही थी और जिसके चक्कर में ये बंदे ओपन में आ जाते हैं। भाई मैंने एक बंदे को नॉक किया था, दूसरे को बहुत ज्यादा लिट, और मेरे टीममेट ने शायद मुझे लग रहा है कि भाई मतलब विनू ने भाई पक्का कुछ तो घपला कहे हैं यहाँ पे, कुछ तो किल चुराए हैं। खैर कारपेट लेके हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ हमने बंदों को मारा था चेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दो टीम फाइट कर रही थी, मतलब कोई तो बचा होगा। भाई साहब यार उड़ती कारपेट पे बंदों को मारने का अलग ही मजा है, मतलब कमेंट में तुम खुद बताओ कितना अच्छा लगता है ना कि मतलब तुमने कारपेट पे उड़ते बंदों को नीचे उतार दिया। इसके बाद में कारपेट लेके हम लोग यहाँ से निकलने का ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से बंदे आ जाते हैं, और मे भी शायद ये वही बंदे होंगे जो अभी मरे थे अपना सामान उठाने आए हों। कितना कन्फ्यूज है ये भाई, इसको यही नहीं पता चल रहा है कि इसको भागना किधर है। फाइनली गाइज मेरे 21 किल हो चुके हैं और रिमेनिंग भी 21 दिखा रहा है, कितने अच्छे नंबर्स हैं यार ये, देख रहे हो तुम में से कितने नंबर इतने मतलब मैथ्स में किसके आते हैं इतने ही सेम नंबर, 100 में से 21 कोई तो होगा ऐसा। बाय द वे गाइज इसके बाद में हम लोग आए थे स्कूल, और जैसे हम लोग स्कूल में आए, खैर मैं स्कूल में पढ़ाई तो नहीं करने आया था लेकिन यहाँ कुछ तो करने आया था। देखो अब यहाँ एक बंदा था तो मैंने प्री फायर दिया, लेकिन वो तब तक अंदर जा चुका था।
फिर मैंने यहाँ ग्रेनेड किया, बट इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। कसम से इसने जो सडन सरप्राइज दिया है, क्या मेरा टीममेट था तो उसने मेरे को रिवाइव कर दिया। ये मैंने इसको नॉक किया। अब देखो सामने बंदा है, मैंने रोटेशन दिया लेकिन वो तब तक यहां से गोली हो चुका था। तभी विनू ने बताया कि भाई बंदे ना इधर की तरफ है वॉल के पीछे, और वो पता नहीं भाई कब निकल गए। अब ये बंदे ना भाई स्कूल के चारों तरफ वाली दीवार में फैल चुके थे। और ये बंदा तो यार अलग ही बचा है, मतलब क्या किस्मत है यार इसकी, मानना पड़ेगा इसकी किस्मत को। तो चलो भाई साहब, प्रिंस भाई कर दिया खेल खत्म। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, कौन है? ओके गिली सूट वाला इधर आ गया, मैंने नेड फेंका। अब ये भाई इस बस के अंदर आके लेट गया और इसको लग रहा है कि मुझे शायद नहीं पता है कि यहां पर है, और इसी बात पे इसको मैंने करा दिया ये वाला ग्रेनेड कैच। ये ग्रेनेड कैच कराने के बाद में हम लोग निकल पड़े अपार्टमेंट की तरफ, क्योंकि अपार्टमेंट के जो थे ना आज हालचाल कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। लेकिन उसके बाद जोन कटा और जल्दी से तुम्हारे भाई ने डायरेक्शन चेंज करी, अपार्टमेंट से सीधा मैं आ गया यहाँ गाड़ी के शोरूम में। और जैसे ही गाड़ी के शोरूम में आया, पहले देखिए एक उड़ती हुई कारपेट। अब उड़ती कारपेट को देख के मेरा मन तो यार बहुत ही ललचाया, मैंने सोचा काश इसका किल मिल जाए तो एक बार और मजा आ जाएगा मुझे। बस सही में मिल गया भाई, मैं तो मजाक कर रहा था गाइस, मतलब बढ़िया मारा मैंने। और इसी कारपेट बेचारे की देखो नीचे गिर गई। इसके बाद में अब ये सर्कल देखो पूरा ओपन का है, और इसीलिए ये मैच लास्ट में इंटेंस है। तो मैंने टीममेट को बोला कि तू यहाँ पे ध्यान रख, पक्का वहाँ कोई हो सकता है। बाकी अपार्टमेंट की तरफ भी हम लोग देखते रहे क्योंकि यहाँ से बंदे जरूर निकल के आएंगे। और इसके बाद अब इनमें से एक बंदे का तो हम लोगों ने गेम बजा दिया, लेकिन दूसरा बंदा भाग के जल्दी शैक में छुप गया। तो मैंने विनू को बोला कि ये काम कर, ये वाला बंदा तो अब सेफ है ही, ये कुछ नहीं करने वाला। जो अपार्टमेंट की तरफ है वो बंदे अभी जोन की तरफ आएंगे, तो क्यों ना हम उनको देखें, उधर इधर हमें किल मिल सकते हैं। तो बस हम लोग इधर पे देखते रहे। और ये मैंने मार दिया अपार्टमेंट वाले एक बंदे को। अब इसके बाद में पूरे तीन बंदे बचे थे, और जिनमें से एक बंदे की पोजीशन हम लोग को पता थी, जो कि हमारे सामने जस्ट सैक में था। और ये लो, इनमें से एक और बंदे की पोजीशन हम लोग को पता चली, क्योंकि इसने जस्ट अभी इधर से फायरिंग की। मैंने उसको मारा भी, वो लिट भी हुआ, लेकिन मैं उसे मार नहीं पाया। अब देखो सर्कल हमारे पास भी नहीं था, पोर्टल बनाया जल्दी से, इधर की तरफ रोटेशन दिया और जैसे यहां आया। ओके अब देखो हम सामने जाते ना तो हमें उधर की तरफ से पड़ती, इसीलिए हम लोग पीछे होके खेल रहे हैं। अब यहां विनू कर देता है अंदर एक मौली, और ये बंदा भाई मौली में ही जल के हो जाता है खत्म। मैंने भी एक मौली करी लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दो बंदे बचे थे, और कहां ये दोनों बंदे हमें नहीं पता, लेकिन हाँ एक का पता है कि एक की फायरिंग उधर से आ रही है। तो बस देखो अब एक ऐसा कुछ सीन होने वाला है अनएक्सपेक्टेड, जिसके बाद तुम यही बोलोगे कि भाई मुझे नहीं लगता कि अब तुम ये चिकन निकाल पाओगे। जी हाँ गाइस, मैं देखो लेट लेट के यहाँ पर आ गया, मुझे सामने बंदा दिखा। अब इसको तो मैंने नॉक कर दिया, लेकिन नॉक को फिर जान ले के चक्कर में भाई मैं ही नॉक हो गया। अब जैसे ही मैं नॉक हुआ, जोन चलता है, मैं आगे आगे, विनू मेरे आगे आगे, अब मुझे कैसे भी करके बस रिवाइव होना था। और फाइनली जैसे यहां पर जोन रुका, ये मैं रिवाइव हुआ, और जैसे ही मैं रिवाइव हूंगा तो तुम्हें पता ही है यार फिर क्या स्क्रीन तुम्हें देखने को मिलने वाली है अब स्क्रीन पे। थैंक यू। अब देखो उस बंदे को कोई आइडिया नहीं है कि भाई मैं रिवाइव हो चुका हूं, और गाइस अब हमें मिलने वाला है एक डिलीशियस चिकन डिनर, वो भी 30 किल्स के साथ में। तो दबा दो भाई चैनल पे सब्सक्राइब वाला बटन,
ये दिखा बंदा और गाइज ये इसको मारा और फाइनली गाइज मिल चुका डिलीशियस चिकन डिनर ब्लड रेवन वाले आउटफिट के साथ में। बहुत सारे बंदों की रिक्वेस्ट थी कि भैया एक्स सूट पहना करो, तो गाइज मैं नेक्स्ट कौन सा एक्स सूट या आउटफिट पहनूं एक बार कमेंट में मेरे को बताओ, तो देखूंगा मैं सारी कमेंट्स, जिस पे ज़्यादा लाइक हुए हम उसकी बात मानेंगे। तो फिलहाल के लिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।